आखिर बात क्या है? ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला बंदा कल रात से ही ऑफलाइन है। फेसबुक पे भी ऑफलाइन है। इस तरह तो कभी नहीं हुआ। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। यार अब तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है, वरना सुधाकर जैसा बंदा जो 24 घंटे में से 18-19 घंटे मोबाइल पे ही घुसा रहता हो, वो अचानक कैसे बिल्कुल गायब हो सकता है? नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर है, जरूर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। कल ऑफिस से वापस आते वक्त उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कहीं कुछ नहीं? नहीं, मुझे उसके घर जाकर ही देखना चाहिए। कमाल है यार सुधाकर, सुबह से 5-6 दफा फोन कर चुका हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक में मैसेजेस भेज-भेज के परेशान हूँ, और तुम हो कि ऑनलाइन आने के बजाय यहाँ लॉन में पैर फैलाए आराम फरमा रहे हो। यहाँ टेंशन के मारे जान सूख गई थी, और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। तबीयत वबीयत तो ठीक है? अरे हाँ, तबीयत वबीयत सब बढ़िया। तो भाई ऑनलाइन क्यों नहीं था? ना व्हाट्सएप मैसेजेस का रिस्पॉन्स, ना फेसबुक मैसेजेस का रिस्पॉन्स, यहाँ तक तू फोन भी ऑफ करके बैठ गया था भाई। अरे भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक दिन डिजिटल उपवास रखूंगा। हैं? डिजिटल उपवास? उपवास में तो लोग खाना छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं, इसका फोन ना उठाने से, मैसेज ना पढ़ने से क्या कनेक्शन? भाई मैंने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक दिन फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा, ना फेसबुक, ना गूगल, ना व्हाट्सएप, लिंक्डइन वगैरह कुछ नहीं, फोन कॉल्स भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल बंद। तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा तो हुआ है भाई साहब। इनके इस डिजिटल उपवास से किसी को कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे बहुत फायदा हुआ है। आज शाम ये मुझे पहले शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिल्म और खाना भी हम रात का बाहर ही खाएंगे। इनके इस डिजिटल उपवास ने मुझे कितनी खुशी दी है ये मैं बता नहीं सकती। अब तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि ऐसा एक डिजिटल उपवास हफ्ते में एक दिन मैं भी रखूँ। यार मोहन, सच बताऊँ तो इस डिजिटल उपवास से बड़ा ही सुकून मिला है। देखना, बहुत दिनों से किताब गगन दमामा बाजियो ये पढ़ने की इच्छा थी, आज सुबह से आधी पढ़ चुका हूँ और शायद शाम तक कम्प्लीट भी कर लूँगा। सच बताऊँ तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया गुजर रहा है, ना फ़ोन की घंटी, न समय की कोई कमी, टोटल पीस ऑफ माइंड। अच्छा वो सब छोड़, तेरा कैसे आना हुआ वो बता। अरे भाई जब तूने फ़ोन नहीं उठाया और मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तब मुझे बड़ी चिंता हो गई और मैं भागा चला आया तेरा हालचाल पता करने, और यहाँ आके पता चला कि डिजिटल उपवास नाम की भी कोई चीज़ होती है और उससे इतना फ़ायदा होता है। अब तो मैंने भी ठान लिया है हफ्ते में एक दिन ज़रूर करूँगा डिजिटल उपवास।